परमेश्वर मसीह रे आउणे रा वायदा करा। जेबे परमेश्वरे संसार री रचना कीती थी से जाना था कि तिस जो बादा मंज किसी ध्याड़े मसीह भेजना पौना। तिने आदम होर हवा कने वायदा कीतिरा था कि तिस एड़ा करना। तिने बोलिया कि हवा ले एक वंश पैदा होना जिस सर्पा रा मूंड जिकना। जिन्ने सर्पे हवा जो धोखा दित्या से पक्का शैतान था। परमेश्वरा रा मतलब था कि मसीह पूरी तरह ले शैतान हराई देना। परमेश्वरे अब्राहमा कने वायदा कीतिरा था कि तीसरे जरिए संसारा री सारी जातियां आशीर्वाद पाना। परमेश्वरे वादा मंज केसी टैमा पर मसीह जो भेजने रे जरिए ये वायदा पूरा करना। तिस मसीह संसारा रे हर एक जातिया रे लोका जो तिनारे पापा ले छुड़ाना। परमेश्वरे मूसा कने वायदा कीतिरा था कि आने वाले टैमा मंज तिस मूसा साई एक दूजा नबी भेजना, ये नबी मसीह होना। इस तरीके ले परमेश्वरे दोबारा वायदा कीता कि तिस मसीह भेजना। परमेश्वरे राजा दाऊदा कने वायदा कीता था कि तीसरा एक वंश मसीह होना, तिस राजा होना होर परमेश्वरा रे लोका पर सदा रे कठे राज करना। परमेश्वरे यर्मिया नबी कने गला कीती होर बोलिया कि एक दिहाड़े तिस एक नई वाचा बाननी से नई वाचा इजराइला सौगी सिने पाड़ा पर बानी गेरी पुरानी वाचा साई नी होनी। जेबे लोका सौगी तिस अपनी नई वाचा बाननी ता तिस दिना पर आपू जो निजी तौरा पर जाहिर करना। हर एक आदमिया तिस कने प्यार करना होर तीसरी व्यवस्था रा पालन करने री इच्छा रखनी। परमेश्वरे बोलिया कि ये तीसरी व्यवस्था रा तिनारे दिला पर लिखने सही होना। स्यों तीसरे लोक होने होर परमेश्वरा तिनारे पाप माफ करने तिस मसीह होना जिस तिना सौगी से नई वाचा बाननी। परमेश्वर रे नबिये ये भी बोलिया कि मसीह एक नबी होना, एक नबी से माणुआ जो परमेश्वर रे वचन सुना होर फेरी लोका पर परमेश्वर रे संदेशा रा ऐलान करा जिस जो भेजने रा परमेश्वर वायदा कीतिरा था। तिस मसीह एक सिद्ध नबी बनना, यानी तिस मसीह परमेश्वर रा संदेश ठीक ढंगा कने सुनाना होर तिस लोका जो स्यों संदेश ठीक ढंगा कने सिखाने। इजरायली याजके लोका रे कठे परमेश्वर रे अग्गे बलिदान चढ़ाना जारी रख्या। ये बलिदान लोका रे पापा रे कठे तिना जो परमेश्वर रे जरिए सजा दिते जाने रे बदले मंज चढ़ाए गए रे थे। याजके लोका रे कठे प्रार्थना भी कीती, पर इस मसीह सिद्ध याजक होना जो परमेश्वरा जो देने रे कठे एक सिद्ध बलि रे रूपा मंज अपने आपा जो आपुए चढ़ाई देना, यानी तिस कदी पाप नहीं करना होर जेबे तिस आपू जो बलि हुणे रे कठे देना ता संसार री कोई भी दूजी बलि जरूरी नहीं होनी। लोकर झुंडा पर राजे होर प्रधान राज कराएं होर कदी कदी स्यों गलतियां कराएं। राजा दाऊदे सिर्फ इजराइलिया पर राज कित्या, पर राजा दाऊदा रे वंश मसीह पूरे संसारा पर राज करना होर तिस हमेशा रे कठे राज करना। इतरे अलावा तिस हमेशा सही तरीके ले राज करना होर सही फैसले लेने। परमेश्वर रे नबिये मसीह रे बारे मंज बहुत सारी गल्ला बोली। उदाहरणा रे कठे मलाकिये बोलिया कि मसीह रे आने ले पहले एक दूजे नबी आना, से नबी बहुत खास होना। इतरे अलावा यसिया नबिये लिखिया कि मसीह एक कुआरी ले जमना, और मिका नबिये बोलिया कि मसीह बैतलेम नगरा मंज जमना। यसिया नबिये बोलिया कि मसीहा गलील नावारी जगह मंज रहा करना, जो लोग बहुत दुखी है मसीहा तिना जो शांति देनी, तिस कैदी भी आज़ाद करने,
मसीहा बीमार टौणे काणे टाटे होर लंगड़े भी ठीक करने। यशिया नबी ये भी बोलिया कि लोका मसीह कने नफरत करनी होर तिस जो मनने ले ना करी देनी। दूजे नबीए बोलिया कि मसीह रा एक साथी तेसरे बरखिलाफ उठना। जकरिया नबीए बोलिया कि तेसरा ये साथी एड़ा करने रे कट्ठे दूजे लोका ले चांदी रे 30 सिक्के लेने। इत्ता रे अलावा कुछ नबीए बोलिया कि लोका मसीह मारी देना और ये कि तिना तेसरे कपड़े रे कट्ठे जुआ खेलना। नबीए ये भी दस्या कि मसीहा किया मरना। यशिया भविष्यवाणी कीती कि लोका मसीह पर थुकना, तेसरा मजाक उड़ाना और से कुटना, तिना से मेखारी धांसा कने छेदना और तिस बड़ी पीड़ा और दुखा मंज मरी जाना जेबे की तिने कुछ भी गलती नहीं कितरी होनी। नबीए ये भी दस्या कि मसीहा पाप नहीं करना, तिस सिद्ध होना पर तिस इदी कठे मरना क्योंकि परमेश्वरा तिस जो दूजे लोका रे पापा री वजह ले सजा देनी। तेसरे मरने ले लोका परमेश्वरा सौगी मेल मिलाप करने रे लायक बढ़ना। इदी कठे परमेश्वर चाह कि मसीह मरे। नबीए ये भी दस्या कि परमेश्वरा मसीह मरीरे लोका मंजले जिंदा करना। ये दसां कि ये सब नौई वाचा जो बानने री परमेश्वर री योजना थी ताकि से तिना लोका जो बचाई सके जिन्हें तेसरे बरखला पाप कितिरा। परमेश्वर नबिया पर मसीह रे बारे मंज बहुत सारी गल्ला दसी पर मसीह तिना नबिया मंजा ले केसी रे भी जिंदगी जीने रे टैम कदी नहीं आयरा था। ये भविष्यवाणियां देने जाने रे 400 साला रे बाद सही टैमा पर परमेश्वरा मसीह इस संसारा मंज भेजना। उत्पत्ति 3:15-12:1-3 व्यवस्था विवरण 18:15 दूजा सामुएल 7 यर्मिया 31 यशिया 9:16 दानियेल 7 मलाकी 4:5 यशिया 7:14 मिका 5:2 यशिया 9:1-7 35:3-5 8:53 भजन संहिता 22:18 35:19 49:4 41:9 जकरिया 11:12-13 यशिया 50:6 भजन संहिता 16:10-11 एक बाइबलरी कहानी।